वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन जे ब्रेक का पेरी असा अफगानिस्तान में अमेरिकन फोर्सिस के इनखिला वे मामले से भी गाल बोल की। कौमी सलामती कमेटी जी की स्पीकर असद केसर की सदारत में इजलास थो, जैमें डीजी आई एस आई पारा ब्रीफिंग भी दिनी वही। आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा भी मौजूद हुआ, बैडे वजीर शामी कुरैशी भी खिते की सूरत हाल से ब्रीफिंग दिनी। सियासी पार्टी गरज थी, अहम फैसला थे। इन गो इन मामले से गाल बोल की। बो मामलो है एफ ए टी एफ वो मामलो जो गुजरल हफ्ते वही अहमियत जो हामिल हो। एफ ए टी एफ जो इजलास थो, उनमें एफ ए टी एफ पारा पाकिस्तान के 27 पॉइंटन से अमल दरामद कर जैमें 26 नुकात से एफ ए टी एफ के जो नुकात था उन पाकिस्तान अमल दरामद कर, एक नुकात से अमल दरामद न कर। असूली तौर से एफ ए टी एफ के चार्टर मुताबिक मेजॉरिटी ऑफ जो पॉइंट्स उन अगर को फरीक अमल करे तो उनके उन लिस्ट में कटो पव लाजमी है। पर इतफाक थो तो एफ ए टी एफ के एक मेन जो 27 पॉइंट दिना वह उनमें 26 नुकातन से अमल जामज कर बावजूद पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट जैसे ब्लैक लिस्ट चबो उनमें न कढ़ो वो। इही वजह हुई जैसा पाकिस्तान की साख के कुछ नुकसान भी पौतो। तो पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट में छो मौजूद है? पाकिस्तान उन मयार पूरा नाय लथो? पाकिस्तान जे मयार एफ ए टी एफ दिना उन्होंने सभी पूरा लथो इनते अमल दरामद कर, पर एफ ए टी एफ अभी ग्रे लिस्ट में बरकरार रखल है। इन मामले में एस एन साहब से गाल बोल कहते एस एन साहब, एफ ए टी एफ के जो मेजॉरिटी चार्टर्स जो पॉइंट्स थे उस पर तो पाकिस्तान ने अमल कर दिया। शाह महमूद कुरैशी साहब की स्टेटमेंट थी कि ये एक पॉलिटिकल फोरम लगता है, टेक्निकल फोरम नहीं लगता है। आपके ख्याल में एफ ए टी एफ पे पाकिस्तान को इस तरह का थ्रेट देने से क्या मकासद हासिल करना चाह रहे हैं? ये देखें, जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने जिस तरफ इशारा किया है या कहा है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि ये जो है ये एक पॉलिटिकल अजायम लगते हैं, अब यह टेक्निकल नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ की देखें बाहर, एफ ए टी एफ जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसके लिए एक मेमोरेंडा है, एक चार्टर है कि आपको अगर 27 पॉइंट या 26 पॉइंट आप 28 पॉइंट्स में से आप ज़्यादा मेजॉरिटी हासिल कर लेते हैं, और उसमें वो बार बार जो आके उन्होंने देखा कि पाकिस्तान ने उन तमाम के ऊपर अमल दरामद किया, तो कोई वजह नहीं थी कि एफ ए टी एफ के ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को निकाल दिया जाता। अब अगर नहीं निकाला जा रहा पाकिस्तान को तो यकीनी बात है कि इसके पीछे कुछ और अवामिल हैं, कुछ और अजायम हैं उनके, जो कि अभी तक वो हासिल नहीं करने पा रहे और वो पाकिस्तान को गिराने के लिए जो है ज़रूरी समझते हैं कि वो है, इसलिए इस ग्रे लिस्ट के अंदर रखने से वो अपने कुछ मकासद को पूरा करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान का इमेज डेवलप करना चाह रहे हैं, इमेज एक डेवलप करना चाह रहे हैं कि ये एक करप्ट मुल्क है, ये इस तरीके से करप्शन दहशतगर्द मुल्क है, इसके अंदर मसाइल हैं, ताकि लोग जो हैं जो दूसरी मुमलिकतें हैं जो इम्पोर्टेंट मुमलिकतें हैं वो इससे हट के रहेंगी और इसके साथ वो रिलेशंस जो हैं वो स्ट्रेंथन जिस तरीके से होने चाहिए वो नहीं होंगे। लेकिन आप ये देखें कि हुआ ये है कि पाकिस्तान का इमेज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में बड़ा है, दुनिया में कम नहीं हुआ है। पाकिस्तान ने ख़ास तौर पे हिंदुस्तान जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस चीज़ के अंदर ख़ास तौर पे लॉबिंग के अंदर मुलव्वस है, वो देखें कि वो हार गया इसके अंदर। वो किसी भी फोरम के ऊपर पाकिस्तान को एक दहशतगर्द मुमलिकत साबित करने में नाकाम रहा है। हत्ता कि अब ये बात हुई है कि यूएन का खुद सेक्रेटरी जनरल जो है उसने भी ये कह दिया कि कश्मीर के अंदर जो है ये जो हालात हैं इस वक्त अगेंस्ट ह्यूमन एट्रोसिटीज़ जो हैं उनका नोटिस लिया जाए, और हिंदुस्तान को ये बाबर कराया कि आप इन चीज़ों को नोटिस लें और इन चीज़ों को ख़त्म करें और रोकें। कश्मीर के हवाले से जो बात की, यहाँ पे बड़ा अहम सवाल पैदा हो रहा है कि हमें पॉइंट आउट किया जाता है, एफ ए टी एफ में कहा जाता है कि आप दहशतगर्दों के हवाले से आप हेल्प आउट करते हैं, आप उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, इस तरह के पॉइंट उठाए जाते हैं, जबकि इतना बड़ा कश्मीर, मकबूजा कश्मीर, वहाँ पर भारत खुली दहशतगर्दी कर रहा है, वहाँ पर इतने सारे ग्रुप्स हैं वहाँ पर खुली दहशतगर्दी कर रहे हैं, वो इसके कैटेगरी में क्यों नहीं फॉल कर रहा है, कि उसके लिए एक पैमाना कौन सा है, ये मुझे समझ नहीं आ रही थी। देखिए, हिंदुस्तान ना कि सिर्फ मुलव्वस है कश्मीर के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के अंदर, बल्कि वो अफगानिस्तान से बैठकर पाकिस्तान के अंदर भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। गुलबशन यादव जो बलूचिस्तान से पकड़ा गया, वो इस किस्म की और बड़ी वजूहात और सामने हैं हमारे पास क्रेडिबल एविडेंसेस के साथ जो प्रेजेंट करता है पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरम के ऊपर। उसके बावजूद भी आप देखें कि
प्रेशर उन क्वार्टर से कि जहां से नहीं होना चाहिए वहां से मौजूद है पाकिस्तान को इस ग्रे लिस्ट के अंदर रखने का। अब वो प्रेशर इसलिए भी मौजूद है कि क्योंकि अगर आप उनके इंटरेस्ट को मीट नहीं करेंगे तो वो फिर ये प्रेशर रखेंगे आपके ऊपर। अब आप देखें भारत का है या मगरबी ममालिक का, देखिए मगरबी ममालिक का भी इंटरेस्ट इसमें उनका है जो कि भारत के साथ रहना चाहते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ इसलिए होना चाहते हैं, या उनकी समझ में ये बात नहीं आ रही कि जो रीजन है ये एक घर होता है और रीजन के अंदर रीजनल रीअलाइनमेंट के अंदर आप देखें कि अब हमारे पाकिस्तान के ताल्लुकात रूस के साथ बढ़ते हुए जा रहे हैं, पाकिस्तान रूस के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान के और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, पाकिस्तान के चीन के साथ बड़े अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान तो चाहता है कि हिंदुस्तान के साथ भी अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात हों, लेकिन क्यों होगा जब तक के वो कश्मीर का मामला हल नहीं करता या उसके अलावा जो और आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के आपस में जो कि सन 47 से चले आ रहे हैं वो हल करें तो ये खिता एक बिल्कुल जन्नत की नजीर पेश करेगा। अच्छा एहसान साहब, आखिर में सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, ये सवाल मेरा नहीं आवाम का सवाल है, आम सादा आवाम वो इस चीज़ को शायद टेक्निकली ना समझ सके कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट FATF के मुतालबात क्यों मान रही है, क्यों मजबूर है, अगर नहीं मानेगी तो क्या कर लेगा FATF। तो ये सादा आवाम के लिए ज़रा थोड़ा तशरीह करके बताइएगा कि अगर हम नहीं मानते FATF के मुतालबात तो हमें क्या नुकसान होगा, अगर हम मान लेते हैं और उनके सारी चीज़ें पूरे करते हैं, ये एक तरह की जायज़ या नाजायज़ जो भी चीज़ें हैं एक्टिविटीज़ जो मुतालबात कर रहा है हम पूरे तो कर रहे हैं उनके, तो अगर नहीं मानते तो हम क्या हम उस कैटेगरी में फॉल नहीं करते तो हमें कोई नुकसान होगा इससे कोई खातर का? देखिए नुकसान उस तरह से तो नहीं, जब कौमें खड़ी होती हैं और कौम एक तहैया कर लेती है और कौमों को बनने के लिए वैसे कुछ ऐसे टर्निंग पॉइंट्स उसकी हिस्ट्री में आते हैं कि जहाँ पर वो उनसे निकल सके, ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है जो कि फाइनेंशियल एड टास्क फोर्स, यकीनी बात है कि जब ममालिक जो ग्रोइंग हैं जिस तरह के पाकिस्तान है और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं जिनकी फाइनेंशियल और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं होती और वो तरक्की की राह पर गामजन होते हैं तो वो उनको फाइनेंशियल एड्स की ज़रूरत होती है, उनको जो है वो बाहर से दूसरे ममलिकतें भी जो हैं वो जो एड्स और ट्रेड करते हैं वो भी उनका भी उसके ऊपर असर पड़ता है, ऑब्वियसली आपका खसारा जो है वो बढ़ सकता है पाकिस्तान की। लेकिन जो है अल्हम्दुलिल्लाह अभी यह है कि आप देखें कि जो हमारी दरामदात हैं वो कम है और हम बरामदात कम है और दरामदात ज़्यादा हो गई हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, ये एक्सपोर्ट्स जो बढ़ने का है जिससे कि ज़्यादा ज़र मुबादला मुल्क में आता है वो FATF से रुकावट का शिकार हो सकता है लेकिन उसके ऊपर असरअंदाज हो सकता है, तो इसलिए जो है वो ये ज़रूरी होता है कि इन जैसे फोरम्स के ऊपर और फिर सबसे बड़ी बात कि मलाइन करना या वो चीज़ें जो कि हमें जिनका जिक्र मैं शायद इस फोरम पे ना भी कुछ कर सकूं कि वो हमें प्रेशर टैक्टिक्स के ज़रिए ये चाहते हैं कि हम उनकी वो बातें माने जो कि हमारी मुमलिकत के ख़िलाफ़ हों और जिससे हमारे इस रीजन के अंदर ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब हों और हम मरूने मिन्नत हो जाएं उन लोगों के और वो अपने अजायम में वो जो है वो सुरखरू हो जाए कामयाब हो जाए जिसकी हम हरगिज़ उनको इजाज़त नहीं दे रहे। और पाकिस्तान अब इंशाल्लाह कौम बन के दिखा रही है, यकजा हो रही है, टैक्स पे करें, आपके पास इतना पैसा होगा कि आपको किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं होगी। सही, बहुत बहुत शुक्रिया एहसान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन एहसान बशीर साहब आई अब्दुल्ला गुल साहब इन्हें मामलन ते बिन मामलन ते गालबुल की सी अज प्रोग्राम में जो FATF और मामलो मामले ते गालबुल की सी इन सा मेज़बान मुदसर के इजाज़त दींदा इंदर हफ्ते बेराज थींदासीं।